गिलगित बाल्टिस्तान में तिरंगा लहराएगा तो वहीं पीओके को भी जल्द पाक के कब्जे से छुड़ाया जाएगा और इसकी चिंगारी सुलग रही है। पाकिस्तान जो हर वक्त आतंकियों को पनाहगाह देने की एक बड़ी फैक्ट्री बन चुका है, उस वो खुद अब अपनी बर्बादी की कगार पर है। भूखमरी, महंगाई, वहां की स्थिति का खराब होना, कंगाली पर पहुंचना, ये सब कुछ उसको उसके गर्द में ले जाने के लिए काफी है। लेकिन इन सबके बीच इमरान सरकार का फेलियोर सामने है। लगातार इमरान सरकार को मुखालफत झेलनी पड़ रही है। इमरान के खिलाफ जिहादी फौज तैयार। आतंक को पनाह देने वाला पाक होगा बर्बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन, इमरान के खिलाफ हल्ला बोल। पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इमरान की सत्ता खा जाएगा एक मौलाना। हुक्मरानों को और पूरे आलम इस्लाम को इस बात पर मजबूर करें कि वो फ्रांस के साथ ऐलान जंग करें। वो सरकारी इमारतें ते बकवास कर सकते हैं फ्रांसी, ते हर मुसलमान अपनी जबान हुजूर की खातिर लुटा नहीं सकता। आज फ्रांस तुहानू चैलेंज कर रहा और 10 एटम बम क्यों रखा तुसी? ओ एटम बम बाहर कढ़ो। पहले क्या मौलाना फजलुर रहमान कम था जो अब एक और मौलाना इमरान खान के पीछे पड़ गया। एक साथ दो दो मौलाना इमरान खान की सत्ता छीनने में जुट गए हैं। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि पाकिस्तान की पुलिस दोनों मौलाना का सामना नहीं कर पा रही है। मौलाना के विद्रोह के सामने बेदम नजर आ रही है। जहां मौलाना फजलुर रहमान इमरान सरकार को घोटालों, भुखमरी, बेरोजगारी और कर्ज के मुद्दे पर घेर रही है, वहीं मौलाना खादिम ने फ्रांस को लेकर इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक मौलाना के समर्थक आग लगाने में जुटे हैं। नफरत का ये बारूद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के संगठन TLP यानी तहरीक ए लब्बाइक ने इकट्ठा किया है। हमने बड़ा सादा सा मुतालबा किया था कि अपना सफीर वापस बुलाओ और फ्रांस का सफीर यहाँ से निकालो, और इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इंशाअल्लाह ताला अब 15 नवंबर बरोज इतवार लियाकत बाग से फैजाबाद की तरफ मार्च होगा। रावलपिंडी से शुरू हुई विद्रोह की आग इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। करीब 3,000 मौलाना समर्थकों ने खुला चैलेंज दे दिया है, इमरान खान सत्ता छोड़ो नहीं तो छीन लेंगे। इस्लामाबाद रास्ते के बीच में मौलाना समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने मोर्चाबंदी की, लेकिन विद्रोही मरने मारने पर उतारू हैं, इसीलिए हर कदम पर जंग जैसे हालात बन चुके हैं। गृह युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी एक कट्टरपंथी मुसलमान है जो इस्लामिक आतंक का समर्थन करता है। हालांकि इमरान भी इसी तरह का रुख अख्तियार किए हुए हैं। वो एर्दोगन के साथ मिलकर दुनिया को इस्लामिक आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन मौलाना खादिम इस पर तुरंत एक्शन की हिमायत करता है। इसीलिए उसने फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से भेजने का फरमान जारी कर दिया है। इमरान ने इसमें देरी की तो मोर्चा खोल दिया। उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। गल जब रसूलुल्लाह दी होएगी तो गल ऐसी होएगी जेडी मैं की थी। 15 से पहले पहले अपना सफीर वापस बुलाओ और यहां उनका सफीर निकालो और उनकी मसनुआत का करो बाइकाट। आपके पास एटम बम है, आपके पास गौरी मिसाइल है, आपके पास शाहीन है, आपके पास अब्दाली है, आपके पास हतफ है, आपके पास अबाबील है, इनको काम में लाओ। मौलाना को देखकर इमरान खान की हालत खराब है। पुलिस को आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी कीमत पर मौलाना को रोकना होगा, लेकिन मौलाना नहीं मान रहा। वो आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि उसने प्रदर्शन की मंजूरी भी मांगी थी। रैली की वजह निकलेगी, बंदे कितने होंगे, खत्म कितने तो आड़े प्यो दे बोल के। 10 जड़े पैंट बड़े होते बैठन सारे
किसी का प्यो दादा काले पानी क्यों हो गए? अंग्रेज दिया चुगलियां करते रहो, साढ़े बुजुर्गों नूं फांसी देवान लग्या, अज पाकिस्तान दे नारे पढ़दे हो, साड़ी मर्जी जिथे कटिए जिस टाइम खत्म करिए। एक तरफ फ्रांस को लेकर पाक सरकार के खिलाफ मौलाना प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर मसले पर भी मौलाना ने भौहें तानी हुई हैं। वो लगातार कह रहा है इमरान सरकार कश्मीर पर नरम रुख अपनाती रही है। कश्मीर की मदद नहीं कर सके तुम साहबों के बारे में बात करते। इमरान खान का आतंकी एजेंडा दुनिया के सामने है, लेकिन वहाँ बैठे मौलाना भी कम नहीं हैं। वो इमरान से एक कदम आगे हैं, इसीलिए पाकिस्तान की बर्बादी तय है। पूरे पाकिस्तान में अमन पसंद कोई नहीं, बल्कि आतंक की पैरवी करने वालों की बड़ी जमात है। मौलाना खादिम भी खुद उस खूनी जमात का नुमाइंदा है जो फ्रांस पर मिसाइल अटैक की बात करता है, परमाणु बम फोड़ने का समर्थन करता है। आज फ्रांस तुहानू चैलेंज कर रहा, और दसो एटम बम क्यों रखा तुसी? ओ एटम बम बाहर कटो, घर में नहीं दाने और पाकिस्तान के कट्टरपंथी चले परमाणु बम फोड़ने। पाकिस्तान की यही हालत है, एक तरफ सन की मौलाना की जिहादी फौज, दूसरी तरफ आतंक को पनाह देने वाली इमरान सरकार। इस सब के बीच पाकिस्तान की आवाम पिस रही है, जो रोजी रोटी के लिए तरस रही है, यानी पाकिस्तान की बर्बादी का आरंभ हो चुका है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।